नहीं देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के माध्यम से इस देश के करोड़ों को अपमानित करने का काम किया है, और नरेंद्र मोदी ओबीसी समुदाय से आते हैं, और इसके पहले देवगौड़ा, श्री चौधरी चरण सिंह, ऐसे कुछ लोग प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन 9 साल तक देश की सेवा करने का पहली बार किसी ओबीसी को मौका मिला तो नरेंद्र मोदी को मौका मिला, और रह रहकर ये उनको अपमानित करते रहते हैं। एक समय में मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नीच है, यानी कोई प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का प्रयोग करे, और कोलार की सभा में जो भाषण किया राहुल गांधी ने, वो केवल नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं था, इस देश के करोड़ों ओबीसी समाज के लोगों का अपमान था। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि हम लोगों के बीच जाएंगे, और 6 अप्रैल जो बीजेपी का स्थापना दिवस, उस दिन से लेकर 14 अप्रैल तक गांव-गांव घर-घर जाकर और हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया, ओबीसी समाज को अपमानित करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि जिस दिन नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा। देखिए, पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी पर वो उंगली भी नहीं उठा पाए, भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं लगा पाए। इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था, क्या हुआ उस मुद्दे का? इन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, अंत में राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो जिस नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भी आज तक आरोप नहीं लगा, यहाँ तक कि बीजेपी के जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री परिषद, उस पर एक भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगा, तो ये चाहते हैं कि कोई, इसलिए जानबूझकर जबरदस्ती आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो अडानी का मुद्दा कोई मुद्दा हो, अडानी के मुद्दे पर तो गए थे लोग सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, जाँच कर रही है, उस कमेटी का इंतजार करना चाहिए, उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तो केवल बोल देने से कोई बेईमान नहीं हो जाता, देश की जनता जानती है कि गरीबों के लिए काम करने वाला नरेंद्र मोदी से लोग इसलिए डरे और घबराए हुए हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुहिम चला दिया है, और उन्होंने कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। ये लोग चाहते हैं कि आप भी खाइए मैं भी खाऊं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पीएम मोदी खुद ही करप्ट है, देश को लूटने वालों के खिलाफ कोई जांच नहीं कर रहे, जेपीसी की मांग हो रही है वो नहीं बना रहे हो आप लोग। देखिए, बोल देने से नहीं, ना कोई प्रमाण चाहिए, ना क्या प्रमाण उनके पास? अडानी के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट गए, ना क्या प्रमाण, क्या? और आज जो लोग इस भारत के बैंकों का पैसा लेकर भाग गए, आज उनकी 20,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इसलिए केवल आरोप लगा देने से, बोल देने से तो कोई आरोप चिपकता नहीं है, कोई प्रमाण चाहिए, कोई तथ्य चाहिए। यूं ही बोल देना अडानी को बचा रहे हैं, 20,000 करोड़, क्या 20,000 करोड़, कौन सा 20,000 करोड़? तो इसलिए प्रमाण हो, कोई तथ्य हो, कोई मुद्दा हो, तब तो कोई चीज़ चिपकती है। और नरेंद्र मोदी का जीवन बेदाग रहा है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों। एक आखिरी सवाल है, ग्रंथ को लेकर आप पार्टी के नेता ने बोला है, राजेंद्र पाल गौतम ने, कि ग्रंथ में वॉयलेंस चीज़ ज़्यादा है, उसको हटाया जाना चाहिए, सरकार से हटाने की अपील की है। मैं नहीं जानता हूँ, जिसका नाम ले रही हूँ उनका नाम भी नहीं सुना, तो मैं ऐसे छोटे भैया लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक और सवाल है, कर्नाटक में चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो डीके शिव कुमार है वो 500 रुपए के नोट बांट रहे हैं लोगों को, तो इलेक्शन कमीशन को ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और जो लोग पैसे के बल राजनीति कर रहे हैं उन पर के खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए।